लियोनेल मेसी, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को कभी भी ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो मैसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मैसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी सेपरेशन की। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टोक्यो ओलंपिक में हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।